आज अमेरिका और चीन के ताल्लुकात के 45 साल हो गए हैं। इस मौके पर चीन के सदर शी जिनपिंग ने चीन और अमेरिका पर जोर दिया है कि वो दोनों हेड ऑफ स्टेट्स के दरमियान तय पाने वाली अहम अंडरस्टैंडिंग को खुलूस के साथ नाफिज करें और चीन अमेरिका ताल्लुकात की सेहतमंद और पायदार तरक्की को फरोग देने के लिए ठोस कदम उठाएं। चीनी सदर ने दोनों ममालिक के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 45वीं सालगिरह के मौके पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन को भेजे गए मुबारकबाद के पैगाम में ये तबसरा किया गया। वाजह हो कि चीन अमेरिका डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 45 साल हो गए हैं और गौरतलब हो कि 2019 में भी शी जिनपिंग ने सालगिरह के मौके पर उस वक्त के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात की थी, जबकि उस वक्त अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर चल रहा था। वाजह हो कि अमेरिका में जल्द ही सदारती इंतखाब होने हैं और इंतखाब को लेकर अमेरिका में हलचल भी तेज हो गई है। इसी बीच जहां ट्रंप की मुश्किलों में इजाफा होता जा रहा है, वहीं जो बाइडेन के लिए ट्रंप दर्द सर से कम नहीं है, यानी अगर ट्रंप इलेक्शन लड़ेंगे तो बाइडेन के लिए इलेक्शन आसान नहीं होगा। आपको बता दें कि 2023 में सैन फ्रांसिस्को में सदर जो बाइडेन और चीनी सदर शी जिनपिंग के बीच काफी हद तक कामयाब समिट के साथ दोनों मुल्कों में तनाव में कमी देखी गई, लेकिन चीन ने साउथ चाइना सी के ज्यादातर हिस्सों पर अपने दावों से पीछे हटने का कोई इशारा नहीं दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने एक नया स्टैंडर्ड मैप जारी किया है जो कई एशिया पैसिफिक कंट्रीज के समुद्री साहिल तक अपने दावों की तौसी करता है। वहीं चीन ने ताइवान पर अपना दावा भी नहीं छोड़ा है। उसने जरूरत पड़ने पर ताइवान को ताकत के दम पर वापस लेने की कसम खाई है। चीन ताइवान में चुनाव के लिए दबाव बढ़ा रहा है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीन और अमेरिका के बीच सब कुछ चंगा सी रहने वाला है या सिर्फ ट्रेड रिलेशन सुधरेंगे लेकिन दीगर ताल्लुकात में खटास आएगी। तो आपको बताते चले अमेरिका और चीन के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को 45 साल हो चुके हैं। 45 साल पहले इन दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत हुई थी, दो तरफा बातचीत हुई थी, ताल्लुकात आगे बढ़े थे, लेकिन इस दरमियान काफी कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिले हैं और दौरा इकतदार जिनका दौरा इकतदार अलग अलग रहा है। मौजूदा में अगर बात करें तो अमेरिका में जो बाइडेन देख रहे हैं और चीन को सदर शी जिनपिंग देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो माजी में जो सदर रहे हैं उनके बीच भी काफी कुछ गहमा गहमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से चीन और अमेरिका के ताल्लुकात पर खासा असर देखने को मिला है और दोनों ही आपको बताते चलें सुपर पावर बनने की कगार पर हैं और अमेरिका अपने आप को वैसे ही यहां पर तस्लीम करता है।